देखिए, मीमांसा इसका एक बुनियादी कारण है, और वो कारण ये है कि 60 वर्षों से जिन लोगों ने इस देश की सत्ता पर काबू कर रखा था, कब्जा कर रखा था, उन्हीं के लोग, और प्रतिनिधि मौलाना साहब भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि इस्लामिक विद्वान ना होते हुए उन राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि के रूप में बैठे हैं। इसका मतलब ये है कि आप भी किसी राजनीतिक रूप से मात्र अपनी वोट बैंक के लिए उनके एजेंट बने हुए हैं आप भी। सर मेरी बात तो सुन ले, मैं जब आप बोलते मैं चुप रहता हूँ, सर जब आप बोलते मैं चुप रहता हूँ। अपनी राजनीतिक वोट बैंक और राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए मुस्लिम समाज को शिक्षा में इतने गर्क में ले गए, यही कारण है। वो आज ही कुछ समय पहले मैं राज बब्बर साहब का स्टेटमेंट सुन रहा था, जिनको बार बार आजकल कांग्रेस पार्टी शिखंडी की भूमिका में उपयोग करती है, वो तो इस डायलॉग को भी पसंद नहीं कर रहे थे, उसमें विघ्न डाल रहे थे कि मदरसा शिक्षा का आधुनिकरण हो सके। और मौलाना साहब जिस प्रकार से आप बातें कर रहे हैं, देश देख रहा है, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये भारत की संस्कृति में 100 बार सचिव मुझे आपसे पूछने की जरूरत नहीं, माफ कीजिएगा, आप खुद पढ़िए पहले, समझिए भारत की संस्कृति है क्या, समाज के साथ वरना माफ नहीं करा जाएगा। ये उल्टी बेहुदा बातें करने से भारत की संस्कृति नहीं हो जाती। अच्छा एक मिनट, अतिकुर रहमान मैं आ रही हूँ अपनी जी, आप भारत की संस्कृति को बेहुदा बोल रहे हैं। अतिकुर रहमान जी मुझे बताइए, आप नहीं चाहते कि देश के मुस्लिम आगे बढ़े? एक मिनट मौलाना साहब, अतिकुर रहमान का भी मैं अच्छे से लोगों को बिठा रहे मुझे बताइए, आप नहीं चाहते कि इस देश के मुसलमान प्रोग्रेसिव हो, आगे बढ़े? ये जो आधुनिकीकरण की बात आती है आप विरोध क्यों करते हैं? ये बताइए मौलाना साहब, दो सेकंड बात सुन लीजिए, अतिकुर रहमान जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। हमारी ये पोजीशन डॉक्टर गुलरे इज एक राष्ट्रभक्त में है, लेकिन आपके जैसे दो खराबियां, एक एक कर अपनी बात रखिए प्लीज, आपसे एक बार मैं फिर गुजारिश कर रही हूँ, ऐसे कोई सुन नहीं पा रहा।